13 तारीख को मतदान होगा। मतदान क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, यहाँ चुनाव दोबारा क्यों कराने पड़ रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। जीतू पटवारी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, सारे विधायक, हमारे सांसद अशोक जी, सारे के सारे यहाँ पर आपसे आवेदन करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं कि इस चुनाव में भोपाल में जो सरकार बैठी है वो तो बदलेगी नहीं, लेकिन जो एक साल से खिलाफी हुई है, जो किसानों के साथ वादा करकर मुकर गए हैं, जो नौजवानों को बेरोजगारी के अंधकार में धकेल रहे हैं, जो माफिया का राज भोपाल में फैल गया, पूरे प्रदेश में फैल गया, उन लोगों की आंख खोलने के लिए और राजनीति में तराजू बराबर रखना चाहिए, ये वोट का अधिकार आपके पास है। 13 तारीख को जब मतदान होगा, हम सब आपसे निवेदन करने आए हैं, मुकेश जी चुनाव लड़ रहे हैं और आपके भरोसे पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोगों से आवेदन करने आया हूं, ये हाथ का निशान है, तो बटन दबाएं और मुकेश जी को विधानसभा भेजो और 4 साल तक आपकी सेवा करेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं। अब यहां पर सरकार केंद्र में भाजपा की है, प्रदेश में भाजपा की है और जब सत्ता में लोग होते हैं, तो ताकत का घमंड इतना हो जाता है, उनको लगता है कि जनता तो हमारी जेब में है, लेकिन जनता समझदार है। हमारे काश्तकार, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, अगड़े, नौजवान, माताएं, बहने अपने अधिकार को जानते हैं। इस सरकार की आंख खोलने के लिए, इनको आईना दिखाने के लिए लेकिन पिछले दिनों में उनको जवाब देना पड़ा। 300 पार, 400 पार, 500 पार की बातें करते थे ना बीजेपी वाले, जनता ने क्या किया, 240 पे लटका दिया, बाल बाल बच गए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो हो गया था काम, लेकिन राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए और उन्होंने संविधान के साथ एक विश्वास पैदा करने की कोशिश जनता के अंदर कि संविधान के मूल भावना से खिलवाड़ नहीं होगा। हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनों का जो आरक्षण अंबेडकर साहब ने संविधान में लिखा था, उसको कोई छू नहीं सकता। और धन्य देश की जनता, जो लोग भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, गौ माता के नाम पर वोट मांगते हैं, उन्हें खाद, बिजली, बीज, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, इनसे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, हो गई दुगनी आमदनी किसानों की, नौकरी देंगे, किसको नौकरी मिली यहां बताएं मेरे को। इनकी आंखें खोलने के लिए, लोकतंत्र में मजबूती दिखाने के लिए बटन दबाना पड़ता है और आपने जो स्वागत किया, सम्मान दिया, फूल बरसाए, इससे जीत नहीं होगी। जीत वोट की गिनती बटन दबाने से होती है, अगर बटन नहीं दबा तो जीत नहीं होगी। अब ये हमारा भाई छोटा, ये खड़ा है और सुनो, ये भी इस बात को जानते हैं, मुकेश भी इस बात को जानते हैं, अरे मेरा वैसे गला खराब है यार, सुन ले, मुकेश इस बात को जानते हैं, अगर हार जीत होगी तो आप लोग कराओगे, ये जीत के जाएंगे, आपके सेवक बनकर काम करेंगे, नहीं तो मैं खड़ा उनके कान पकड़ने के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा, ये मेरा भाई आज चुनाव लड़ रहा है और ये जीतने जा रहे हैं, लेकिन आप इस जीत में आहुति डालोगे तो जीत का श्रेय भी जनता आपको जाएगा। अब आप मुझे बताओ, दोनों हाथे खड़े करके, कि इनको जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आपने हाथ खड़ा कर दिया, मैं आप वोट डालो, सारे के सारे 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, बुजुर्ग, नौजवान, इस मुकेश को वोट दोगे तो मैं इसका हाथ खड़ा करूं, वोट दोगे, हाथ खड़ा कर दूं, पक्की बात है, 1 2 3। और आप सबसे निवेदन, हाथ का बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को जिताओ, राहुल गांधी की हाथ मजबूत करो, मेरे हाथों को मजबूत करो, हमारा राजस्थान दूर नहीं है, हमारा राजस्थान और आप लोगों का हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, आप यहाँ जिताकर भेजो, 4 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस सरकार बना के देंगे आप लोगों को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग खुश रहो, बहुत बहुत शुक्रिया, राम राम साहब।